फिर यहाँ पे केन है, यहाँ पे केडू है, हाँ तो ठीक है ना, वो फ्रूट है ना, कलर आ रहा है हमारा। फिर ये है तेरा मोए, मोए हाँ निकला रे, ये देखो यम्मी यम्मी। कैसा लगा था ये? इसका तो रहा नहीं जा रहा है गाइस, इसको मस्त पिके अभी देखो करेगा आपने, पर हम लोग वापस से दिखा रहे हैं। और केडू इधर गेट बंद करके बोलता है खोलूंगा नहीं केडू। मामा उठ गया, ये देखो कितना मस्त सेट है, एकदम लालम लाल मस्त है, खाने में मजा आएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज है संडे एंड सैरी करने के लिए उठे थे, उसके बाद फिर सो के फिर अब उठे हैं 11 बजे। यहाँ पे आयास भी सो के उठा है। हेलो दोस्तों, ओ ले 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 उठ गया। चल है गाइस होली और आज है रमजान। हाँ वही रमजान है। सो गाइस आज है होली जलाते हैं आज एंड कल खेलते हैं। सो मेरे घर के जो निब्बे निब्बियाँ हैं उन लोगों को चाहिए पिचकारी। तो कल जैसे हमारे घर पे गेस्ट आए थे तो उन्होंने उनको मतलब बोलते टोकन ऑफ लव वैसा बोलते, छपरे मतलब पैसे जो देते बख्शी क्या बोलते हैं इसको जो बोलो ना, अरे मतलब बच्चे लोग को देख के मतलब पैसा देते कि चॉकलेट ले लो या कुछ भी ले लो वैसा। हाँ ईदी इनके वर्ड में ईदी। सो उनको चाहिए उसमें से पिचकारी। तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग को चिकन तंदूरी बिरयानी भी बनाना है तो उसका मैरिनेशन भी करना है। मम्मी अभी किचन क्लियर कर रही है, फिर उसके बाद मैं और आयाज जाएंगे किचन में, जिसमें आयाज मस्त पेकी मैरिनेट करने रख देगा तो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बिरयानी भी बनाएंगे, फिर हम लोग को बाहर जाके पिचकारियाँ भी लेना है। तो देखते हैं 11 को मैं उठाऊंगी क्योंकि वो अकेले जाके लेके आऊंगी तो फिर वो किरकिर करेगी, तो देखते हैं क्या करता है। तो बने रहो, मिलते हैं आगे। जैसे कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग को जाना है किचन में क्योंकि आयाज हेल्प करने वाला है मुझे चिकन वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है बट मैं करती हूँ, मुझे आयाज ने सिखाया है। तो यहाँ पे चिकन वॉश हो रहा है, वॉशिंग कर रहा है आयाज, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसको वॉश करने दो, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको हम उसको कैसे मैरिनेट करने वाले, सॉरी आयाज को नहीं चिकन को। बाय बाय। हेलो गाइस, तो चिकन हो चुका है वॉश अच्छे से, ये रहा कुकू, ये करीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा ना, 1.5 किलो के लगभग होगा ये चिकन। एंड ये है चिकन तंदूरी मिक्स बारबेक्यू सुहाना का, तो इसमें सब कुछ है, इसमें देखो सिर्फ लिखा है जस्ट ऐड कर्ड एंड चिकन, डिटेल रेसिपी ऑल है। सो इसमें सब कुछ रहता है, मिक्स रहता है, एकदम मस्त टेस्ट आता है। हम लोग ने दो बार बना दिया एंड दोनों बार जब बनाते तभी मम्मी नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि 8 टाइम बनाते हैं इफ्तारी में, डायरेक्ट दावत ही रचाएंगे दावत सेलिब्रेट करें हम लोग। तो चलो अभी इसको मैं मसाले को ओपन करके उसमें डालती हूँ अच्छे से, उसको मैरिनेट भी करना है, फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए। एंड यहाँ पे ये कट करके रखा है ये खीमा बनाने के लिए, क्योंकि इसका हम लोग कबाब बनाएंगे एंड ये मैरिनेट होगा बिरयानी के लिए। तो चलो अभी इसे मैरिनेट करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग ने मतलब जॉयसी ने इसमें डाला है तंदूरी मसाला, ये डाल दिया है इसमें ये वाला जो भी जॉयसी ने आप लोग को बताया था, आपने हमारे लास्ट व्लॉग में भी दिखा रहेगा हम लोग ने बनाया था। अभी ये एक ही पैकेट है तो कम हो रहा है, तो हम इसलिए हम लोग ने 2 पैकेट हम लोग डालना है एंड इसमें थोड़ा सा दही भी जाएगा। और ये हमारा बनेगा इसके लिए, किसके लिए? कबाब के लिए। कबाब दूसरा टाइप का हम लोग ब्रेड वाला बनाएंगे, प्लीज आए। हाँ हाँ मैंने भी देखा है वो शादी मंडप, हाँ वो रोल जैसा ना। हाँ सॉरी मैं पानी आने में क्या। तो गाइस देखो अभी सब मसाला लग रहा है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा डालेंगे दही और जैसी का चाय। दही स्लो कर दो ना, बंद कर दो, ऊपर आया ना, बंद कर दो। बंद कर दिया गाइस मैंने। तो अभी ये दूसरा वाला पैकेट डाल रही है जैसी, इसमें कैसा लग रहा है तुमको जैसी? थोड़ा सही। तो गाइस चलो अभी इसमें नमक मसाला सब डाल के फिर देखते हैं और क्या क्या करते हैं। तो बने रहो, आज बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो गाइस हम लोग ने दही भी डाला है, दही भी डाल दिया गाइस इसमें, दही मसाला है, मसाला तंदूरी का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा हो जाएगा या क्या है बाद में टेस्ट कर सकते हैं। इसको 2 पीस नहीं किया तुमने? वो हड्डी वाला बोन वाला। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स एंड फिर इसे रखेंगे फ्रिज में। इसका मसाला हाँ, और प्लस हम लोग तो कोयले का भी ये देने तड़का ना, मज्जा नहीं, तड़का नहीं देंगे, स्मोक देंगे कोयले का। इसमें तंदूरी में अच्छा लगे,
तंदूरी में तंदूर का टेस्ट नहीं, तो अच्छा ऐसा है क्या? तो घी खाई के लिए लाया मैंने। अच्छा ऐसा है क्या? तो गाइस अभी मसाला हो रहा है रेडी, और फिर इसको हम लोग रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, और फिर बाद में जब मामा उठेगा तो इसका खीमा बनेगा। खीमा बनाएंगे और फिर रेसिपी देखेंगे। तो नीचे जाएंगे, बहुत सारा काम है गाइस, मेरे को बाल कटवाना है, छोटा छोटा बाल करवाना है, मेरा है बाल छोटा बट फिर भी मेरे को आई डोंट लाइक। तो गाइस चलो अभी फटाफट मसाला लग जाएगा और फिर उसके बाद देखते हम लोग क्या क्या करते हैं, तो बने रहो। सो गाइस हम लोग उतर गए हैं नीचे, यहाँ पे आयाज भी है। हेलो आयाज, हाउ आर यू दोस्त? यहाँ पे आयाज है, यहाँ पे सब सेट करते हुए। बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है रोजा पे, इसको नीचे उतारो, इसको काम करवाने के लिए, मतलब मेरे को बाइक चलाने आता नहीं है तो इसको आना पड़ता है मेरे साथ। उसको मज़ा भी आता है, बट उसको अभी रोजा है ना तो फिर क्या बोल सकते। तो चलो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बाल काट के फिर डीमार्ट का सामान लेंगे, तो फिर रखेंगे कहाँ देखते हैं। चलो गाइस सैलून जाते हैं कि डीमार्ट। तो गाइस हम लोग पहुंच गए डीमार्ट के बाहर, यहाँ पे आया हो गया गुस्सा। अरे क्या मालूम कैसा बाल काटते हैं लोग, उसके बाल काटे नहीं बराबर, उनका बाल नहीं काट पाते लोग, कैसा बोल। उसको जिधर चाहिए उसको अभी तक मिलता नहीं है, तो वहाँ पे डीमार्ट है गाइस। तो आज मोटो रोड व्लॉगिंग करोगे? तो चलो गाइस जाते फटाफट डीमार्ट। तो गाइस हम लोग घर पे आ गए थे, ये ही रहा लड़का जिसने सबके लिए पिचकारी मंगाया है, केडू ने। इसने 500 रुपये से लिया। हाँ लिया, नहीं दिख रहा है। हाँ वहाँ पे, और इसको क्लोज। हाँ मैंने कलर लाया नहीं तुम लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम दे दो तुम लोग फिर हनुमान जनुमान बन के चले जाओगे। तो कल निष्ठा के साथ होली खेलेगी तो वो कलर देगी, तो कलर का पानी बना के उसमें भरने का और फिर खेलने का, समझा? पता भी नहीं कि जाने वाली हूँ क्या। नहीं जाएगी तो तुम लोग तीनों नीचे खेलना, वैसे भी अपना नीचे वाला शॉप वाला कलर देता है। हाँ शॉप वाला कलर देता है नीचे, उसे जाके ले लेने का थोड़ा और फिर खेलने का। गन पिचकू गन है ना। चलो गाइस थोड़ा आराम करते हैं, मिलते बाद में। हे गाइस तो हमारा पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है कटिंग वगैरह का। ये देखो यहाँ पे शिमला मिर्च कट हुआ है, ये गाजर को ग्रेट किया है, ये नॉर्मल ऑनियन को कट किया है छोटा छोटा ताकि ये सलाद में काम आएगा। फिर ये बिरिस्ता के लिए और कटलेट्स के लिए हम लोग इसको काट रहे हैं। यहाँ पे बैटर है, ये खीमा वाला कबाब वाला बैटर है जिसमें अभी ये डाला है अपना खीरा वाला हुआ कैरेट। यहाँ पे आयाज भी मुझे हेल्प कर रहा है चॉपिंग में, एंड यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ चॉपिंग, तो दोनों साथ में कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा। तो चलो अभी फटाफट से सब काम निपटाते हैं एंड फिर देखते आगे क्या करते हैं। ठीक है तो सब कांदा वगैरह कट करके हो गया है, एंड यहाँ पे देखो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसका हमें कन्वर्ट करना है बिरिस्ता में जो जाने वाला है बिरयानी में। तो ये अच्छे से हम करेंगे इसे फ्राई गोल्डन ब्राउन थोड़ा बहुत क्रिस्पी होने तक। राइस भी है, ये एकदम लंबे दाने वाले राइस है, इसको भी पानी में सोख करके रखा है ताकि वो थोड़े अच्छे से और बड़े हो। यहाँ पे आयाज भी फ्रूट्स कट कर रहा है। हेलो आयाज हाउ आर यू दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है और ये मजा सारे हिंदुस्तान में मिले। वो इसे सब फ्रूट अभी वो कट कर रहा है ताकि फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा होगा, ये तो फिर एंड टाइम पे फिर वो नमाज पढ़ के फिर आएगा तो फिर बाद में बहुत लेट होता है, तो इसलिए अभी कट करके रख दें क्योंकि ये टाइम फ्रिज में जगह है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को जब बनाने का था तभी इतना सामान था, इतना सब कुछ था कि फ्रिज ही फुल हो चुका था, ये टाइम आराम से जगह है। तो चलो सब कटिंग वटिंग करते हैं एंड बिरिस्ता भी फ्राई करते हैं एंड देखते आगे और क्या करते, तो बने रहो। सो गाइस बिरिस्ता जो फ्राई करी थी बिरिस्ता बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है क्योंकि आयास का जिद था कि उसको शेवई खाना है, तो करके अभी दूध गर्म हो रहा है फिर उसको ठंडा करेंगे। यहाँ पे मेरी बहन ने राइस बनाने के लिए देखो यहाँ पे पानी उसने गर्म करने रखा है, जिसमें इसने सब स्टार और वगैरह वगैरह जो भी मसाले होते हैं, नमक एंड तेल डाला है। तेल इसलिए डाला है ताकि राइस जो है वो छुट्टा छुट्टा रहे, एंड ये रहे जो मैंने बताया थे बड़े दाने वाले राइस, एंड अभी थोड़ा पानी में उबाल आएगा फिर उसके बाद ये राइस जो है इसमें डालेंगे एंड फिर उसको उबालेंगे। हाफ कुक करना है, मतलब 80% कुक करना है, बाकी जो है वो दम में हो जाएगा। एंड हमारा जो चिकन का जो बैटर था वो भी हो चुका है सेट। मामा उठ गया, ये देखो कितना मस्त सेट है, एकदम लालम लाल मस्त है, खाने में मज़ा आएगा। आयाज वहाँ पे सो चुका है, पक्का से हाथ दिख रहा है और सोया है क्योंकि उसको अभी 5:30 बजे जाना है नमाज के लिए, तो अभी वो सोया है थोड़ी देर के लिए। अभी मैं भी जाऊँगी फ्रेशन अप होके आऊँगी एंड फिर उसके बाद देखते आगे और क्या करते, क्योंकि हम लोग को नीचे भी जाना है सामान भी लेना है। सो गाइस मैं सब सामान लेके आई ऊपर, ड्राई फ्रूट जो चाहिए था, राइस, ये घी, कोई तो भूमि ब्रांड का घी है पता नहीं, मैंने मीरा रोड से लिया था तो मैंने अमूल का लिया था, यहाँ पे है नहीं अमूल का 20 वाले पैकेट में,
एंड टैंक हम लोग टैंक पिएंगे आज एंड वहाँ पे प्रिपरेशन चालू है कबाब का और बिरयानी का। दूध भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है जिसमें ये रोस्टेड वाला शेवई, ये रहा फोकस ही चला गया, ये शेवई जो है वो मैं उसमें डालूंगी। राइस को सभी कट करना है एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर देखो मेरे चिकन चिकन कटलेट ये फ्राई हो रहा है, इसमें वेजीज है एंड ये है चिकन तंदूरी बिरयानी, इसमें चिकन तंदूरी नीचे है मसाला उसका, फिर राइस है, फिर बेरिस्ता है, अभी कलर डालेंगे, फिर वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड लास्ट में हम लोग कोयले का जो है वो तंदूर वाला इफेक्ट देंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो गाइज मैं आ गया नमाज पढ़ के और अभी जॉयसी बना रही है देखो स्पेशल चीज काय बनाते जॉयसी जरा बताओ व्यूअर्स को। यहाँ पे ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ ताकि मस्त फ्लेवर बन रहा है गाइज, इधर पे मस्त ये इसको रोस्ट कर रही है और उधर क्या है जॉयसी यहाँ पे बिरयानी को तंदूरी का दम दिया है तो अभी वो दम हो रहा है वहाँ पे और इधर पे चिकन मिक्स वेजिटेबल्स चिकन खीमा वाला कबाब कटलेट कटलेट रेडी हो रहा है गाइस, ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी और इधर अभी रोस्ट करेंगे और सिमई इधर पे रखी हुई है अभी इसको डालेंगे, तो बने रहो और टैंक भी बनाना है जूस पीने के लिए, तो मिलते हैं आपको आगे। इफ्तार के टाइम के लिए कुछ आई थिंक 5 मिनट बाकी है 4 मिनट बाकी है एंड हम लोग सब लोग बैठ गए हैं। यहाँ पे आयाज भी है, हेलो दोस्तों, आयाज में ताकत नहीं है, कियारा भी रेडी होके बैठी क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाने वाले, फिर यहाँ पे कियन है, यहाँ पे केडू है, हाँ तो ठीक है ना वो फ्रूट है ना चला जा रहे हैं हमारा, तो ये है चिकन कटलेट फ्रूट सबका टैंक। आज रात को जा रहे हाँ हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो चलो गाइस हम लोग इफ्तारी करते हैं, मिलते हैं बाद में। हमारा थोड़ा बहुत खा के हो चुका है, अभी मेन चीज है हमारा बिरयानी, सो अभी उसको करेंगे ओपन, यहाँ पे तैयारी हो रही है बुमरंग की, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। आधा स्मोक तो वैसे ही बाहर निकल गया था, नहीं यहाँ पे इतने बड़े बर्तन में पतीली में बना है, धुआं निकल गया तो तेरा ही मोए मोए निकला रे, ये देखो यम्मी यम्मी, हाँ तंदूरी तंदूरी का स्मेल आ रहा है, अच्छा अच्छा, तो चलो अभी इसको डायरेक्ट निकालते हैं बैठते खाने के टाइम पे फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस जॉयना ने हम लोग सब लोग को बिरयानी परोस दिया है, यहाँ पे आया खा रहा कैसा है, नमक बरोबर है, नमक बरोबर है, ये कितना पागल है मम्मा ने, मतलब हाँ इतना अच्छा बनाया और उसने बोला मैं तो बिरयानी नहीं खा, वो खाएगा बिरयानी, तेरा कह रहे गाइस बोल जल्दी, चीज बढ़िया है, चीज बढ़िया है, अरे वाह, तो चलो गाइस खाते हैं एंड फिर बाद में मिलते हैं। हम लोग उतर गए नीचे तैयार व्यार होके, यहाँ पे आया है खाना हो गया सेटल, अभी वो सो रहा है, खाना सेटल हो गया, इधर ही है, इधर ही अच्छा वही, सो चलो गाइस अभी थोड़ा यहाँ पे रुक के बोलो, हम जा रहे हाँ हम जा रहे अभी जा रहे अभी जा रहे जा रहे जा रहे नहीं जा रहे नहीं, हाँ सो चलो गाइस अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। हाँ टू कैट, वन कैट, सेकंड कैट एंड टू थर्ड कैट, फर्स्ट काइट, काइट काइडो नहीं हाँ सी सारंगे, सारंगे सारंगे सारंगे, बिरयानी खाने के टाइम क्या बोल रही थी, बिरयानी पर्पल नहीं हो सकता, नहीं को सब में BTS चाहिए, तो चलो गाइस नॉर्मल बकवास निकलते हैं यहाँ से एंड फिर मिलते हैं आगे, मिलते हैं बोलो आगे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी नया नगर में है, जाना उन लोग उधर पीछे उन लोग उधर पीछे, जॉइना को समझ में आ गया कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखो गाइस छोटे छोटे बर्तन, वो देखो कबर्ड है अभी ओपन हुए ओपन होएगा, वो देखो खोलेंगे कबर्ड, ये देखो कबर्ड है, ये सब छोटे छोटे है किचन सेट के लिए, तू क्या करेगा बर्तन बर्तन खेलेगा, ये बर्तन बर्तन खेलेगा, कटोरी 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 गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं वेलिंगटन बड़ू, तो पहले ये देखो फेंटने का, तो हम लोग अभी लेने वाले हैं कबाब पाव हलवा पराठा और निकलेंगे वेलिंगटन के लिए, तो देखते हैं आगे और क्या करते हैं। बहुत छोटा छोटा है वो कबड़ भी है खेलने का और क्या करने का, मैं क्यों खेलूंगी, कियारा खेलेगी, हाँ
अरे बहुत लोग बनाते हैं ना मीडियम खाना। मीडियम खाना हाँ उससे तू कितना कुछ है। हाँ वो देखो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फिर ये तवा है, डोसा तवा, बहुत कुछ है उधर। चलो गाइस देख के हो चुका। सो गाइस हम लोग, हाँ सब अलग अलग रहेगा भाई। तो गाइस हम लोग आए थे हलवा पराठा लेने के लिए यहाँ पे बुरहानपुर की जलेबी के बाजू में ही है, ये देखो इधर जैसी भी है। कैसा लगा था ये? इसका तो रहा नहीं जा रहा है गाइस, इसको मस्त पे के अभी देखो मस्त कलर देखना, ये है ना सामने, ये बुरहानपुर की जलेबी है, मस्त मज़ा आ रहा है। देते और मिलते आगे। तो गाइस हम लोग ने ले लिया हलवा पराठा वगैरह सब कुछ ले लिया, मैंने फिरनी भी लिया, मैंने बहुत टाइम बाद फिरनी लिया खाने के लिए, बहुत टाइम बाद ही लिया क्योंकि मैं हर बार जे जलेबी का खाती हूँ फिरनी, बट ये बार पहले बार मैं किधर और का खा रही हूँ। एंड अभी हम लोग हैं यहाँ पे नया नगर के बैक रोड पे, एंड अभी हमारे सवारी में आ चुका है केन, पहले केन का केन हेलो बोल, हेलो पे बोलोगे जॉइना है केनू, हेलो एक्सचेंज हो गया है एंड हम लोग निकले हैं जाने के लिए वेलिंगकनी। हम लोग जा रहे बीच में, वहाँ पे खाएंगे हलवा पराठा और कबाब पाव, वहाँ पे हम लोग खाएंगे हलवा पराठा और कबाब पाव गाइस वेलिंगकनी में। वहाँ पे अच्छे से बेंच वेंच भी डाला है, जहाँ आप लोग पिकनिक करने के लिए बैठे थे वहीं पे हम लोग बैठेंगे, तो कोई दूसरे जगह पे देखते हैं और उसके आगे रास्ते में हम लोग और क्या क्या करते हैं, तो बने रहो मिलते हैं बाद में। सो गाइज हम लोग वेलिंगकनी चर्च आ चुके हैं और हम लोग ने यहाँ पे चैपल में भी विजिट किया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो सब मस्ती कर रहे हैं लोग, फेवरेट स्पॉट है। हम लोग बांद्रा नहीं जाते तो इधर आ जाते क्योंकि ये बांद्रा जैसा ही है ना सेम। ये घूमना मजा आता है गाइज, और मस्त पे की देखो बांद्रा जैसा ही है, बहुत सारे व्लॉग में देखा रहेगा आपने, पर हम लोग वापस से दिखा रहे हैं। और केडू इधर गेट बंद करके बोलता है खोलूंगा नहीं, केडू नॉटी बॉय। तो गाइस बंद करो बंद कर दो, हाँ डॉगीज चले जाएंगे। तो गाइस चलो चलते हैं और अभी देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं। वहाँ पे जॉयसी है उधर पे, वहाँ पे लाइट भी है ना, बाय बाय बाय। चलो चलते हैं गाइस और मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस हम लोग अभी कर रहे हैं नाइट पिकनिक और मैं यहाँ पे कबाब पाव, इधर जॉयसी है गाइस, जॉयसी वहाँ पे लाइट दे रही है और मैं यहाँ पे लाइट दे रही हूँ, और यहाँ पे भी ये लोग पिकनिक पार्टी कर रहे हैं। हम लोग का चॉकलेट भी अंदर है, हम लोग का चॉकलेट भी अंदर है। कैसा लग रहा है केन? केन कियारा कैसा लग रहा है? केडू मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और इधर पे पार्टी चल रहा है, दीदी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मस्त हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम चालू हो गया पर गर्मी का मौसम चालू हो गया। देख दो जन कौन जा रहे हैं ऐसा, देख अंधेरे में। तो ऐसे चलो अभी खा लेते हैं और मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी हलवा पराठा खाने का टाइम आ चुका है, तो अभी हम लोग खा रहे हैं हलवा पराठा। अरे पराठा नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, लोग हैं खा रही है क्या रहा? और पराठा है, शीरा और पराठा है, ये जो घर पे पराठा खाती है वो पराठा है। कैसा है? दवाई है दवाई ले। तो गाइस अभी हम लोग खाएंगे, मैं तो वेट करूँ घर पे जाके फिर नहीं खाने। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं आपको आज। तो गाइस हम लोग पहुंच गए बिल्डिंग के नीचे, हालत खराब हो गई, बैठे बैठे अपनी नींद आ रही है। नाइट पिकनिक बना के कियारा थक गई है, केन ऑलमोस्ट होके उठा है, केडू तो मेरे ऊपर एक नींद मार के उठा है, आयाज बाइक चलाते चलाते थक चुका है। अभी थार खरीदेगा और हम लोग उसी में जाएंगे ट्रिप करने। हां वही हम लोग पहुंच गए, हम पहुंच चलो गाइस। हां वही का वॉच है। तो चलो गाइस ये व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करें, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।